अचानक से बन गया प्लान यार हमारा जाने का किचा ऐसा नहीं। और कितना बज रहा है अभी? टाइम हो रहा है बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये सब कुछ बहुत क्रूशियल है भाई। देखो टाइम हो रहा है 1:35, 2:05 की ट्रेन है हमारी और ब्लॉग अपलोड हो रहा है। अब ब्लॉग मेरे को लग नहीं रहा कि अपलोड हो पाएगा, अभी मुझे नहीं लग रहा अपलोड हो पाएगा। चल हम निकल रहे हैं बाहर, तो धूप तो देखो यार एक बार जरा। इतनी जल्दी में हम लोग घर से निकले बिल्कुल लास्ट टाइम पर, और यहाँ देखो पेट्रोल भी खत्म हो गया, पैदल चलना पड़ रहा है, टाइम भी हो गया है। एक बाबा ने चल टाइम हो गया है 1:52 और 2 बजे की ट्रेन है, बहुत मुश्किल है कि पहुंच जाए, और पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है, धूप भी इतनी ज्यादा तेज हो रही है, अब क्या होगा पता नहीं, पेट्रोल पंप भी आसपास नहीं है। चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देख सकते हैं आप हालत इतनी तेज, अब प्यास मुझे इतनी तेज लग रही है, मैंने पानी की बोतल रख ली है पर्स में, पीने का टाइम नहीं है अभी बिल्कुल भी। मुझे मैं कह रहा तुम ऑटो से चले जाओ टिकट ले लो, मैंने कहा ना बाबा तुम टाइम तक नहीं पहुंच पाए, मैं अकेले थोड़ी चले जाऊंगी। ओह थक गए सच में। चलो भाई थोड़ी सी दौड़ लगा लेते हैं, चलें ओके। डर मेरी चप्पलों से लग रहा है बहुत ज्यादा, कहीं टूट टूट गई तो और लो भागने से। ये मुझे किस साइड से लेकर आया है, मुझे इसका मतलब जीने चढ़ के पार जाना है। लेट पे लेट हुए चला जा रहा है यार, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और भाई बोल रहे कि वहां चले जाओ, भाई ने यहाँ भेज दिया, फाइनली टिकट ले लिया यार, इतनी भाग दौड़ गया। देखो वहां थे हम उस साइड, वहां से यहाँ से वहां चल के फिर यहाँ से आई भागते हुए, देन वहां से टिकट लिया उसने। लेकिन टाइम से पहले पर हमारी ट्रेन जल्दी आ जाए ऐसा कोई नहीं सकता ना। यहाँ कूड़ेदान, यहाँ कितना डिफरेंस क्यों है तुम्हें, इतनी मेहनत मतलब कब से आई हूँ यहाँ तक और ट्रेन आई। ट्रेन अभी सिटी पे ही है, आधा घंटा अभी कम से 15 मिनट लगा देगी आते आते, भीड़ का नजारा बताता है। हम ट्रेन पर चढ़ चुके हैं और बहुत टाइम हो गया है हमारे लिए, हमने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत थक गए थे हम इसमें, और अब हम बना रहे हैं और हम पहुंचने वाले भी कहाँ इच्छा। बस कितने किलोमीटर मुझे मिलेगी? 10 किलोमीटर के आसपास रह गया बस। 10 किलोमीटर के आसपास रह गया और हम पहुँच गए, और मुझे मुझे लग रहा है बहुत तेजी की खा के नहीं आया ये कुछ भी, सवास ही नहीं खा लिया। सो फाइनली हम आ गए हैं किचा, किचा चलो सरजमीन पे अपने कदम रख लिया। रहा
को लग रही है बहुत ज्यादा तेजी की भूख, और ये नहीं कि अब थोड़ी दूरी घर रह गया है तो चले, लेकिन नहीं, उसे है कुछ खाना। कह रहा पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं। भूख लग गई थोड़ी सी तो खा लो यार छोले, बस समोसे ये छोले समोसे कैसे लग रहे हैं? नहीं अभी थोड़ा वैसे ही पसंद नहीं है सब कुछ, हम ही खाएंगे। नाश्ते का ब्लॉग शायदा जी। ओह यस, हाँ यार नाश्ता कर लो गाइस, नाश्ता कर लीजिए गाइस। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया, ये दोनों बहनें आपस में बातचीत कर रही हैं, कुछ सुना रही हैं। ये नाई लगे कच्चे, बहुत सारे कच्चे। डिसलेक्सिया डिसग्राफिया चल रहा था यहाँ पर, इसे तो बचपन से आपके ब्लॉग तो सऊदी में भी देखे जा रहे हैं। देखा भाई जी ने, देखा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सही था ना यही? नायला जी आ गई भाई। ओहो अब्बा जी के साथ, ओ भाई बेटा कुद 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 कुद। हम चल दिए हैं घूमने के लिए, भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं, हम देखते हैं कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रात हो चुकी है काफी और कोई भी संभावना नहीं है कि इस वक्त कुछ भी ओपन हो सकता है। मैंने बैक कैमरे से कभी भी वीडियो नहीं बनाई है, इस वक्त पता नहीं कैसी बनती होगी, नहीं बनती है। मतलब खा पी के तो हम चल दे रहे हैं भैया घर से, बाहर के खाएंगे ना, हवा खाओ बाहर जाके हवा। ये देख रहे हैं आप पीछा में भी इस वक्त कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भैया कुछ भी नहीं है, गाड़ी में बैठे रहेंगे क्या हम? भाई की हद देखें आप, कि हमें लेके भी आए हैं और कह रहे हैं कि गाड़ी में ही बैठे रहो। बहन ये बरेली नहीं है, ये किच्छा है, यहाँ 10 बजे सन्नाटा होता है। पिंकी आजी करेंगी ड्राइव, वाओ। कब से नहीं चलाई है तूने? ये देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, बस बियर ही देखो, बीच वाला ब्रेक है, ये क्लेच वो वाली रेस है, लास्ट वाली बीच वाली ब्रेक ऐसे, हाँ ऐसे को ये हैंड ब्रेक नीचे जाएगा, छोड़ो बस हल्का लगता है, छोड़ दो चलो फिर आराम से तुम स्पीड उस पर ब्रेक कर पाओ, हैंड ब्रेक पे अब मैं इतना पकड़ लूंगा, धीरे धीरे अपनी साइड दबा के रखना। पिंकी वाजी की मस्त ड्राइविंग चल रही है यहाँ पर, चलो चलो मजा आ रहा है गाइस, मस्त है हमारी पिंकी वाजी मस्त गाड़ी चला रही है। अरे यहाँ हमारे वसीम भाई के साथ नाइला और सानू भाजी पीछे मस्त बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि ये तो बैठने वाली पैसेंजर ही है, ये दर्शक ही है हमेशा से। हाँ कभी, और ये देखो ये काम वो आज कर रही है, और ये कहेगी कभी हम बैठे हैं कहाँ पर असिस्ट करने के लिए बाजी को, बाजी ने डाल दिया है तीसरा गियर और मस्त चल रही है गाड़ी यहाँ पर। और सानू भाजी एक बार फिर से दर्शक, बहुत बड़े भाई क्या बात है, बहुत शानदार मजा आ गया, इतने टाइम बाद मैंने कार चलाई, बट मेरी ना प्रैक्टिस छूट गई, मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, बट इंशाल्लाह मैं जल्दी सीख जाऊंगी। और फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं घर की साइड में, अब मैं सोचती हूँ क्यों ना एक एक खानू दूध की बोतल हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। पिंकी आजी ने चलाई है आज कार, मैं फर्स्ट टाइम बैठी पिंकी आजी के साथ, तो हम पीते हैं एक दूध की बोतल अभी, बट हमारा बच्चा सो गया है, ये देखो तो बस आने वाली है हमारी दूध की बोतल। सच में कुछ नहीं मिलेगा, पर कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है, Oh, yeah.
भाई खा पी चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे। वाह थैंक यू मुझे मिला। मामा मामा को फोकस करो। बेटा है बेटा नीली है वाइन क्या चाहिए भाई। चलो फिर पिंकिया जी हम चलते हैं। चलो खाला चलते हैं, कब आओगी? हम तो आ यार कौन मुझे मिल बाहर है अच्छा नहीं बेटी। रेलवे स्टेशन आ गए, अब लेंगे टिकट यहाँ से, और टिकट लेने का काम जब हम दोनों आते हैं तो केवल शानू भाजी का ही होता है, क्योंकि कन्याओं को थोड़ा टिकट जल्दी मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो लाइन वैसे भी दोनों की कमी है। टिकट लेने जा रही है अकेली, मिल जाएगा जल्दी। कहाँ जा रही है? ट्रेन आ रही है भाई, और बिना हॉर्न के आ रही है ट्रेन, बिल्कुल शांति व्यवस्था बना के। इसको भी पता है कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं करना है। ट्रेन आ गई, इंडियन रेलवे ऑल टाइम बेस्ट, हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये है हमारा जनरल, देखिए गाइस जनरल कितनी थकी हुई आ रही है यार। है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी स्कूटी में नहीं है पेट्रोल, पेट्रोल पंप भी नहीं आसपास, धूप हो रही है बहुत ज्यादा तेज, जब जाएं तो जाएंगे। मेरी बस की नहीं है कि मैं इतना लंबा, पता है डेला पीर पे है, डेला पीर पे तो है, लेकिन यहाँ भी जा सकते हैं हम, लेकिन दूर है यार, वो भी दूर है। अच्छा डेला पीर पास पड़ेगा, ओके पैदल कैसे जाएंगे यार इतनी दूर? यही तो समस्या आ रही है जी। चलो जी यहाँ तो चलते हैं, बाहर निकलते हैं स्टेशन से। कैसे जाऊंगी, हैवत आ रही है मुझे, हैवत हो रहा मेरा भाई गड्डी बीच निकल रहा है, धूप का आलम देख सकते हैं आप कितना है, पैदल जाना है भाई, मजाक बात थोड़ी है। समस्याएं पे समस्याएं दिखाऊं, गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये जो रास्ता है ये बंद हो चुका है, और पेट्रोल पंप दिखाऊं कहाँ पर है, वो देखो आपको टैंकर दिखाई देगा एचपी का, ये टैंकर दिखाई दे रहा है आपको सामने इंडियन ऑयल का, तो यही पेट्रोल पंप है, बट जाएं तो जाएं कहाँ से, ये समस्या है, जा नहीं सकते यहाँ से। देखो यहाँ से सब बंद पड़ा हुआ है, ये घूम के आना पड़ेगा, पसीना बहुत आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है। ये बेचारी यहाँ खड़ी हुई है, गाड़ी यहाँ है, अभी और लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। वो आ रही है बाजी, कितना दूर है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, फाइनली मेरी नज़रों के सामने पेट्रोल पंप है। आखिरकार हम आ ही गए पेट्रोल पंप पर, इतना मैं शायद लाइफ में कभी नहीं चली हूँ, इतना इस बार पैदल चली हूँ। पेट्रोल पंप की बस इसका मतलब बहुत कमी है, आसपास है ही नहीं, इतना दूर आना पड़ता है। चलो भाई चलते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है।